नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस वर्मा और एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही जानकारी है कि इसके पूर्व में एक क्लास पहले लिया जा चुका है, जिसमें हम सिविल सेवाओं की तैयारी के संदर्भ में कुछ विशिष्ट तकनीक और रणनीतियों पर चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और उससे लाभान्वित हुए होंगे। आगे हम सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित टॉपिक वाइज क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक संविधान एवं राजव्यवस्था का परिचय है। तो संविधान राजव्यवस्था के बारे में हम पूरे संविधान को देखेंगे और व्यवहारिक स्तर पर उसके क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। तो संविधान राजव्यवस्था को संविधान पढ़ने से पूर्व में समझ लेना आवश्यक है कि संविधान राजव्यवस्था वास्तव में क्या चीज है और संविधान से ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो संविधान राजव्यवस्था में दो शब्द हैं, एक संविधान है और दूसरा राजव्यवस्था है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है और इसमें देश की शासन को संचालित करने के लिए मूलभूत व्यवस्थाएं, नियम कानून इत्यादि का उल्लेख होता है। यह संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है और संविधान सभा को जनता का मत समर्थन प्राप्त होता है। इसी के कारण से संविधान सभा के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वह उस देश के संचालन के लिए और उस शासन के सभी अंगों को जो भी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसके लिए वो वैध व्यवस्था प्रदान करता है। यहाँ पर ये दो सवाल उठते हैं, एक तो ये कि संविधान सभा के द्वारा क्यों बनाया जाता है और दूसरा क्या उसे जनता का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है कि नहीं। संविधान सभा के द्वारा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जनता पूरी तरीके से किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर संविधान का निर्माण व्यवहारिक स्तर पर नहीं कर सकती है, इसलिए जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है जो संविधान सभा के रूप में जानी जाती है। दूसरा यह है कि जनता के द्वारा इसका समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है कि नहीं। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा परीक्षाओं में पूछा गया, साक्षात्कार इत्यादि के द्वारा भी पूछा गया है। तो इसका जवाब हाँ में है क्योंकि संविधान सभा जो भी कानून बना रही है उस कानून का क्रियान्वयन उस देश की जनता के लिए किया जाना है और इसका क्रियान्वयन व्यवस्थापक, कार्यपालिका और न्यायपालिका इत्यादि के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए जनता का समर्थन उसे प्राप्त होना आवश्यक है। अगर जनता का समर्थन उसे प्राप्त नहीं होता है तो उस संविधान के द्वारा जो भी शासन का संचालन किया जाएगा वो अवैध हो जाएगा। अतः संविधान सभा को जनता का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है क्योंकि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसका क्रियान्वयन जनता के लिए होगा, जनता के कल्याण के लिए कानून बनाए जाएंगे, भले ही वो कानून ऐसे अंग के द्वारा किया जाएगा जिसका संविधान में से सीधा उल्लेख नहीं होता है, लेकिन उसे शक्तियाँ जो है संविधान से ही प्राप्त होती हैं। इस तरीके से संविधान एक कानूनी ढांचा और दस्तावेज होता है जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है और उसे जनता का समर्थन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर संविधान स्पष्ट होने के बाद हम राजव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। जब किसी देश की राजनीतिक प्रणाली में संविधान देश की राजनीतिक प्रणाली में देश की राजनीतिक प्रणाली में व्यवहारिक स्तर पर इसका क्रियान्वयन होता है तो यह जो है राजव्यवस्था कहलाती है। अर्थात संविधान को देश की राजनीतिक प्रणाली में जब हम क्रियान्वित करेंगे तो यह राजव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक प्रणाली में अलग अलग देशों की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग राजनीतिक प्रणालियां होती हैं। कहीं पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अपनाई जा सकती है, कहीं पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जा सकती है, कहीं पर राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली या अर्ध राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, इस तरीके से अलग अलग देश की अपनी अलग अलग राजनीतिक प्रणालियां हैं और जब हम उन राजनीतिक प्रणालियों में इस संविधान का क्रियान्वयन करते हैं
यह संविधान राज व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था संविधान एवं राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से संविधान और राज व्यवस्था की अवधारणा आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। इसके साथ हम दूसरे नंबर पर यहाँ पर संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान का स्वरूप, उसके प्रकार इत्यादि पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षा में उसके प्रकार से और विभिन्न देशों के संविधान से तुलना करके परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसलिए यहाँ पर संविधान के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे कि संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान के प्रकार का अध्ययन करने के लिए हम उनके आधारों को देखेंगे कि किन किन आधारों पर उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मूल रूप से संविधान को तीन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम, संविधान की उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, लेखन के आधार पर। और तीसरा, परिवर्तनशीलता के आधार पर। ये तीन आधार हैं जिसके आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जब हम संविधान को देखते हैं तो संविधान दो प्रकार का होता है, एक विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान। विकसित संविधान का क्या तात्पर्य है? विकसित संविधान एक ऐसा संविधान है जिसका जिसकी उत्पत्ति उस देश के परिस्थितियों में आने वाली परंपराओं, रीत रिवाज और समय समय पर होने वाले अभिसमयों के आधार पर होता है। ऐसे संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है। वहां पे संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि वहां उस देश में जो भी प्रचलित रीत रिवाज, परंपराएं, अभिसमय यानी कि कन्वेंशन इत्यादि होते हैं उनको समुच्चय कर दिया जाता है और उसी के द्वारा देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो ऐसे संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामान्यतः यह अलिखित रूप में पाया जाता है और यह संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ये ब्रिटेन का संविधान इस श्रेणी में आता है। ब्रिटेन का संविधान इस श्रेणी में आता है। दूसरा, निर्मित संविधान, एक ऐसा संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय पर किया जाता है वह निर्मित संविधान कहलाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत भारत, अमेरिका यानी कि यूएसए, ये हैं दोनों देश जहां पर संविधान का निर्माण किया गया है, अर्थात ये निर्मित संविधान की श्रेणी में आते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर भी संविधान दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, लिखित और अलिखित। पूर्व में बताया गया कि विकसित संविधान की एक विशेषता है कि वो अलिखित रूप में होता है, अर्थात अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जहां पर उस देश के रूढ़ियों, रीति रिवाज और अन्य प्रचलित कानूनों के आधार पर जो है बनाया जाता है वो अलिखित संविधान होता है। वो लिखी हुए फॉर्मेट में नहीं होता है। वहां का शासन संचालन, वहां पे प्रचलित कानून, परंपरा, रीति रिवाज, अभिसमयों पे संचालित होता है। वो अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है, वो लिखित रूप में नहीं होता है। ये भी ब्रिटेन इसका एक उदाहरण है कि यहाँ का संविधान विकसित संविधान होने के साथ साथ अलिखित संविधान है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रावधान किए गए हैं देश के शासन संचालित करने के लिए वह लिखित रूप में ना होकर के अलिखित रूप में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज ही
ऐसी आधार होते हैं जिसके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो इस तरीके से ये अलिखित श्रेणी के अंतर्गत आता है ब्रिटेन का संविधान। दूसरा है लिखित संविधान, ऐसा संविधान जहां पर शासन को संचालित करने के लिए तथा सरकार के विभिन्न प्रकार के अंगों की शक्तियों का प्रावधान करने के लिए समस्त बातें एक व्यवस्थित ढंग से लिख दी गई होती हैं, वो लिखित संविधान की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर भारत और अमेरिका ये दोनों ही संविधान लिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान को भी दो भागों में बांटा गया है, एक लचीला और दूसरा कठोर। लचीला संविधान और कठोर संविधान, ये परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा गया है, एक लचीला संविधान है एक दूसरा कठोर संविधान। लचीला संविधान एक ऐसा संविधान है जहां पर संविधान के प्रावधानों को वहां की विधायिका के द्वारा साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे संविधान की ये विशेषता होती है कि वहां पर बार बार संविधान संशोधन इत्यादि होते हैं। उस संविधान के विभिन्न प्रावधानों में सामान्य प्रावधान और विशेष प्रावधान के बीच में कोई अंतर नहीं किया जाता है, वहां पर समस्त प्रावधान एक ही तरीके से होते हैं और सभी में जो है विधायिका साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था होती है जिसका नाम अलग अलग देशों में अलग अलग रखा गया है, जैसे भारत में संसद है, पार्लियामेंट है, इस तरीके से उसके अलग अलग नाम होते हैं। कठोर संविधान लचीला संविधान से भिन्न होता है, यहां पर संविधान के प्रावधानों में विधायिका के द्वारा विशेष बहुमत या दो तिहाई बहुमत से परिवर्तन किया जाता है, अर्थात यह प्रणाली कठिन होती है प्रावधानों को परिवर्तित करने के लिए। इसी आधार पर इसका नाम जो है कठोर संविधान रखा गया है। कठोर संविधान में कहीं कहीं साधारण और कहीं कहीं विशिष्ट दोनों ही प्रकार के प्रावधानों में अंतर किया जाता है और वहां पर साधारण प्रावधानों में सामान्य तरीके से और विशिष्ट प्रावधानों में विशेष बहुमत के आधार पर परिवर्तन किया जाता है, जैसे भारत का संविधान है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लचीला और कठोर संविधान ये परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार में वर्गीकृत होते हैं। तो इस तरीके से आज आपने देखा संविधान एवं राज व्यवस्था का एक परिचय, संविधान के प्रकार। अब हम इन दोनों बिंदुओं को देखने के बाद भारतीय संविधान के बारे में कुछ लगाए जाने वाले आरोप और प्रचलित व्यवस्थाओं पर संक्षिप्त में जो है चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान को कई बार परीक्षा में भी यह सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान क्या उधार का थैला है। उधार का थैला का मतलब यहाँ के जो प्रावधान है उसे दूसरे देश के संविधान में की गई व्यवस्था से सीधा का सीधा अपना लिया गया है, इसलिए इसे उधार का थैला कहा जाने का आरोप लगाया जाता रहा है। लेकिन हमें इसे देखकर इसका विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकालना है कि क्या ये आरोप सही है या नहीं। तो हमें ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए इस चीज को देखना है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले जो भी संविधान सभा के सदस्य या विभिन्न प्रकार की समितियां थी, उन समितियों ने विभिन्न देशों की परिस्थितियों का, वहां के कानून का अध्ययन किया और वहां के सकारात्मक और लोकतांत्रिक मानवीय आधारभूत व्यवस्थाओं को अपने देश में लागू करने का प्रयास किया। लेकिन उन व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया गया, बल्कि यहाँ देश की परिस्थितियों में राष्ट्रवाद की भावना, एकता और अखंडता की भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए अपेक्षित परिवर्तन किए गए हैं। इसलिए हम इसे उधार का थैला न कह करके इसे दूसरे देशों का अध्ययन किए गए प्रावधानों को अपने अनुसार परिवर्तित किए गए व्यवस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात ये उधार का थैला कहने की बात केवल वहीं तक लागू हो सकती है जहां तक हमने उन प्रावधानों को दूसरे देश से अध्ययन किया और लिया, लेकिन उसे अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार हमने परिवर्तित किया, इसलिए इसे इस पर उधार का थैला जैसा आरोप लगाया जाना उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है
कि संविधान वकीलों का स्वर है। इस पर यह कहा जाता रहा है कि यह वकीलों का स्वर है। आप लोगों को भी ये जानकारी होना चाहिए कि संविधान एक विशिष्ट प्रकार का विधान है जिसके द्वारा देश की शासन का संचालन किया जाना है, और देश इतना व्यापक है, इसमें अलग अलग प्रकार के संस्कृतियों के लोग रहते हैं, इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाया जाना आवश्यक है जिससे उसमें एक निष्ठा उत्पन्न हो सके, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो सके। तो इस प्रकार के प्रावधान को बनाने के लिए ऐसे लोगों को शामिल किया जाना जरूरी है जिनको इसके बारे में विशिष्ट जानकारी हो। हम सामान्य किस्म के लोगों को इसमें अगर रखते हैं तो वह इतना विशिष्ट और व्यवहारिक विधान या संविधान का निर्माण शायद ना कर पाते। इसलिए इसमें ऐसे लोगों को रखना आवश्यक था जिन्हें कानून के बारे में, दूसरे देश के शासन प्रणाली के बारे में, वहां संविधान के बारे में जानकारी हो और उसका अध्ययन करके एक व्यवहारिक स्तर पर संविधान का निर्माण कर सके। इसलिए हमारे संविधान में कई ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो पेशे से वकालत कर रहे थे, क्योंकि उनको जानकारी थी और आगामी आम चुनाव में जब चुनाव हुआ तो उन लोगों का जनता के द्वारा भी चयन किया गया। तो ऐसी स्थिति में ये आरोप लगाना कि ये वकीलों का स्वर्ग है नकारात्मक भाव में सही नहीं है। ये बात सही है कि काफी कुछ वकालत करने वाले लोग शामिल थे, लेकिन उन लोगों को शामिल करने का उद्देश्य सकारात्मक था, जनता के हित में था, व्यवहारिक कानून और संविधान बनाने के पक्ष में था। इसलिए नकारात्मक रूप से वकीलों का स्वर्ग का आरोप लगाया जाना उचित नहीं है। तो इस तरीके से संविधान पर लगाए जाने वाले ये दोनों आरोप सही नहीं है। इसके साथ साथ हम स्वरूप पर अगर देखें, इसे 2015 के साक्षात्कार में यह सवाल पूछा गया था और संविधान के स्वरूप को लेकर कि संविधान कैसा है इसे एक लाइन में बताया जाए। तो संविधान के स्वरूप के संदर्भ में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और मैं इसको बताना चाहूंगा कि संविधान लचीला है, कठोर है, ना लचीला और ना कठोर, ना तो लचीला है ना तो कठोर है, और दूसरा है कठोरियम लचीला, दोनों, एक ये है, दो तीन चार प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं और अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो लचीला है, केवल लचीला अगर कहा जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके लिए विशेष प्रकार के बहुमत की, और कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें राज्यों के भी जो है अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में केवल लचीला होने की बात करना जो है गलत है, केवल कठोर है यह भी गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पर संसद अपने साधारण बहुमत से उसमें परिवर्तन कर सकती है। ना तो लचीला है ना तो कठोर, यह भी बात गलत है, क्योंकि अगर ना दोनों तरफ लगता है ये दोनों को कैंसिल कर देता है, यानी कि कठोर और लचीला, जबकि ये बात संविधान में निहित है कि कठोर भी है और लचीला है, अर्थात ये भी गलत है और कठोर एवं लचीला दोनों है, ये चीज सही है, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान कठोर है कुछ लचीला है। ये इसके स्थान पर एक और विकल्प यहाँ पर बन सकता है कि कठोर एवं लचीले के मध्य संतुलन है, तो ये जो है मध्य संतुलन की जो बात है ये भी सही होगी। अगर कठोर युग लचीले के बीच संतुलन की बात होती तो डेफिनेटली ये भी बात सही होती, क्योंकि इसमें जो है आवश्यक और देश की संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार और इसी तरीके से न्यायालय जो प्रावधान है, राष्ट्रपति के चुनाव है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें परिवर्तन करने के बाद संविधान के ढांचे परिवर्तित हो सकते थे। तो इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं हैं और विशिष्ट प्रकार के जो प्रावधान है जिसमें परिवर्तन करने के लिए राज्यों के अनुसमर्थन और विशेष बहुमत की जो जरूरत व्यक्त की गई है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर हम साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं, इसलिए दोनों के मध्य जो संतुलन बनाने का जो प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है कि ना तो कठोर ना तो लचीला, ये गलत होकर के कठोर एवं लचीले के मध्य संतुलन है, ये बात सही होती है। अगर मुख्य
परीक्षा में या साक्षात्कार में इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के स्वरूप को स्पष्ट किया जाए, तो इसमें निश्चित तौर पर एक विचारक रहे हैं उनकी एक पंक्ति का उल्लेख करना आवश्यक होगा, कोट करना आवश्यक होगा, जिससे आप अपने उत्तर को अत्यधिक प्रभावी बना पाएंगे और एक आकर्षक उत्तर बना पाएंगे जिससे आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। किसी वीयर का नाम है, किसी वीयर इसमें इन्होंने भारतीय संविधान के स्वरूप के बारे में कहा है कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करता है। यह वाक्य अपने आप में भारतीय संविधान के स्वरूप को पूरी तरीके से स्पष्ट करता है, इसमें किसी भी प्रकार का विवाद समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आज के इस क्लास में भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था की परिचय, संविधान का परिकार और भारतीय संविधान पर लगाए जाने वाले कुछ आरोप और महत्वपूर्ण विचारक के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं। आज की क्लास इतना ही है और आगे पुनः वीडियो के साथ हम आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।